नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद कमजोर हुआ, इसके आगे और कमजोर होने की संभावना। गुजरात सरकार ने कहा, चक्रवात से पहले आपदा प्रबंधन की सुनियोजित योजनाओं के कारण हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आज हैदराबाद में संपन्न होगी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में HS प्रणॉय तथा डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज सेमीफाइनल खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद चक्रवात बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है और इसके अगले 12 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र में अनेक स्थानों पर तथा उत्तर गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और दक्षिण राजस्थान में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के कच्छ, पाटन और बनासकांठा जिलों तथा राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अरब सागर में उत्तर पूर्व तथा उससे लगते मध्य पूर्वी क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों पर निगरानी रखने का भी अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने तूफान के राजस्थान की ओर बढ़ने के मद्देनजर कल शाम को चेतावनी जारी की थी और राज्य के जालौर और बाड़मेर जिलों में तेज हवाएं तथा भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा पाली, जोधपुर और सिरोही जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल राज्य आपात संचालन केंद्र में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रभावित जिलों में स्थिति की समीक्षा की। राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल से प्रशासन चक्रवात से उत्पन्न प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात सरकार ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 1 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गुजरात के इतिहास में पिछले 5 दशकों में किसी आपदा के दौरान पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात बिपरजॉय कमजोर होकर राजस्थान में गहरे दबाव के रूप में प्रवेश कर गया है। इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी है, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान के समाचार नहीं है। बाड़मेर और सिरोही जिलों में तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर से हवाओं का असर कम हो जाएगा और कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट है। सभी जिलों में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। श्रेष्ठ जिले की श्रेणी में ओडिशा के गंजाम जिले को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह हैदराबाद में डुंडीगल की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड देखेंगी।
वे अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना तथा तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेटों को बैच प्रदान करेंगे। इस दौरान कई विमान और हवाई करतब भी दिखाए जाएंगे। परेड के बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आज हैदराबाद में संपन्न होगी। सदस्य देशों के कृषि मंत्री पिछले 3 दिन से कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान प्रतिनिधियों ने उन्नति, जनसमूह तथा विश्व के लिए कृषि व्यवसाय के प्रबंधन पर बातचीत की और कृषि के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का विस्तार करने के उद्देश्य से डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ओमान, वियतनाम और कनाडा सहित कई देशों के कृषि मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। शिक्षा मंत्रालय G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की पुणे में होने वाली बैठक की तैयारी कर रहा है। ये बैठक 20 से 21 जून तक होगी और इसमें G20 देशों, मेहमान देशों और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न यानी मोटे अनाज में स्वास्थ्य और कल्याण की प्रचुरता है। प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने से प्रेरित होकर ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमरीकी गायिका फालू ने गीत तैयार किया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने, किसानों को इसे उगाने में मदद करने और दुनिया से भूख मिटाने के लिए गीत लिखने में प्रधानमंत्री के सहयोग पर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फालू का ये बेहतरीन प्रयास है और इस गीत में खाद्य सुरक्षा और भूख मिटाने के एक महत्वपूर्ण कारक के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से अमरीका और मिस्र की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। अमरीका यात्रा के दौरान श्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जवा क्यूरोशी ने कहा है कि उन्हें 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि वे योग को अपने जीवन का अंग बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए योग विश्व को एकजुट कर रहा है। समाचार कक्ष से पूजा। प्रधानमंत्री इसके बाद वॉशिंगटन जाएंगे। वॉशिंगटन में अगले दिन वे राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन से मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी इस महीने की 24 तारीख को काहिरा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की ये मिस्र की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे, तो याद रखें रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लघु अवधि के उपाय लागू करने के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक करने के लिए पहल की गई है। एक रिपोर्ट।
इन दिशा निर्देशों के तहत प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक कराने के अधिकार दिए गए हैं। निदेशक पहचान तथा संबंधित राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर ऐसे क्षेत्र को ठीक करने पर 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के लघु अवधि उपाय करने का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दिया गया है। ये वित्तीय अधिकार प्राधिकरण द्वारा पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों के अलावा हैं। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना निदेशक दुर्घटना की आशंका वाले प्रत्येक क्षेत्र पर 25 लाख रुपए तक के लघु अवधि उपायों के जरिए अधिसूचित क्षेत्रों को ठीक कराने की मंजूरी दे सकते थे। लघु अवधि उपायों में उन्नत चेतावनी संकेतों के साथ जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश वैरियर और रेलिंग, जंक्शन सुधार, सोलर लाइट या ब्लिंकर, सड़क साइनेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम बदलने पर कांग्रेस की टिप्पणी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक साधारण तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ है कि एक वंश से हटकर भी देश में नेता हैं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय राजनीति से अलग हटकर किया गया एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इसे महसूस करने के लिए दृष्टि की कमी है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में आज एचएस प्रणॉय तथा डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में खेलेगी। कल क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान आर्दियांतो और फजर अल्फियान को 21-13 से हराया। सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने तीसरी वरीयता प्राप्त जापान के कोदाई नारा ओका को 21-18 और 21-16 से पराजित किया। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहले एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया बिना किसी नुकसान के 14 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल इंग्लैंड ने जो रूट के शानदार शतक की मदद से 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। पहले ही दिन पारी की घोषणा कर इंग्लैंड ने एशेज का नया रिकॉर्ड बनाया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। चक्रवात बिपरजॉय से अत्यधिक वर्षा अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है तबाही मचा गया बिपरजॉय। गुजरात में 1000 घरों में बिजली नहीं, पेड़ उखड़े, मकान क्षतिग्रस्त, 23 घायल, किसी की नहीं गई जान। दैनिक भास्कर का कहना है तूफान से 5 राज्यों में बारिश का दौर, गुजरात से राजस्थान पहुंचा बिपरजॉय, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दिलाई राहत। मणिपुर में हिंसा अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। हिंदुस्तान लिखता है केंद्रीय मंत्री आरके रंजन के घर में आगजनी, मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य पुलिस बलों के अलावा 30,000 केंद्रीय सुरक्षाकर्मी तैनात। भारत अमेरिका दोस्ती के नए दौर पर दैनिक भास्कर की खबर है भारत और अमेरिका मिलकर जेट, सैन्य वाहन और रक्षा उपकरण बनाएंगे, पहली इंडस एक्स कॉन्फ्रेंस का रोडमैप तैयार, 21 जून को आयोजन, दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप करेंगे एक साथ काम, संयुक्त कार्यकारी ग्रुप बनाने की तैयारी। पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने का हाईकोर्ट ने दिया संज्ञान, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निशमन विभाग, दिल्ली सरकार, पुलिस और नगर निगम को जारी किया नोटिस। अमर उजाला का कहना है कोर्ट ने सभी कोचिंग सेंटरों की जांच का दिया आदेश। हिन्दुस्तान की खबर है नई पेंशन योजना एनपीएस से राशि निकासी के मिलेंगे कई विकल्प, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस में जमा कुल राशि में से 60% एकमुश्त निकासी की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी की है। दुनियाभर में जलवायु संकट पर एक अध्ययन के हवाले से जनसत्ता लिखता है बड़े पैमाने पर भूजल दोहन से धुरी पर पूर्व की ओर झुक गई पृथ्वी। लगातार भूजल दोहन से 1993 से 2012 के बीच लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुकी है पृथ्वी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद कमजोर हुआ, इसके आगे और कमजोर होने की संभावना। गुजरात सरकार ने कहा चक्रवात से पहले आपदा प्रबंधन की सुनियोजित योजनाओं के कारण हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे।
G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आज हैदराबाद में संपन्न होगी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में आज HS प्रणॉय तथा डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।